सिंह, खुद नसीब हो तुम तारा सिंह जो तुम्हारी कदम इस पाक मस्जिद में पड़े। पाक मस्जिद? ये तो भोसड़ी के मैरिज होम है। अबे साले तू क्या यहाँ दावत खाने आया है? अरे अशरफ साहब आपने बताया नहीं, ये मस्जिद नहीं है, मैरिज होम है। क्या सोच रहे हो तारा सिंह, ये मैरिज होम है तो क्या हुआ, दावत तो तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी। वो सब तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले ये बताओ दावत में क्या क्या है। वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, अंडा कड़ी, आलू छोले, आलू कोफ्ता। बेटा इनमें से तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। साहब ये क्या मसला लगा रखा है आपने, बहन बेटी का मामला है और आप कढ़ाई पनीर शाही पनीर में लगे हुए हैं, मुद्दे की बात करिए इससे आप। पिताजी जी ये सब तो समझाता चलता रहो, तुम देख के बफर का लग रहो। तारा सिंह अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? मेरे हिसाब से आदमी का पहला फर्ज है अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है कि नहीं? तुम्हें इस्लाम कबूल है कि नहीं? कबूल है। ये! अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक मिनट काजी साहब, ये सब तो ये दावत खाने के लिए कर रहा है, एक बार इससे ये तो पूछ लिया जाए कि ये पक्का मुसलमान बनने लायक है या नहीं। तो ठीक है, तुम्हें इस्लाम कबूल है तो कहो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अब कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। अजय अशरफ साहब जनता तो भागी हमारी। अशरफ साहब मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे यार अकेला मैं चूड़ बहुत मारेगा। कैसे अशरफ साहब मरवाने का इरादा है क्या? मसला बड़े प्यार से निपट रहा था और कर लो हिंदुस्तान पाकिस्तान, देख रहे हो उसकी तरफ कितने गुस्से में खड़ा है, मैं तो जा रहा हूँ, माँ कसम बहुत मारेगा। अरे काजी साहब बहन बेटी का मामला है, समझा कीजिए। ठीक है अशरफ साहब हिम्मत से काम लीजिए, उसको नहीं लगना चाहिए हम लोग डरे हुए हैं। चलिए काजी साहब तकरीर दे देना बंद कर, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान बनने लायक है कि नहीं। अब तेरे लोगों की माँ का भोफड़ा, तेरी माँ का भोफड़ा, सारा रास्ते में से सकीना के लिए तो मैंने सूट और यहाँ तक आते आते मेरी गांड गई है टूट, सारे गांड टूटी तो टूटी, सारे ज्यादा बोले तेरी गांड में गाड़ दूंगा खूंटी। एक मुठी कांदे में सन्नी पाजी सिर्फ दो मिनट। अशरफ साहब तुम्हारी गांड में कीड़ा है क्या, ये बार बार बकुल बुला रहा हूँ, तुम वो पिटवाएगी मानेंगे का? लो कानून आएगा। हेलो निकाना पड़ना होगा काजी साहब। हाँ बेटे अभी आ रहा हूँ मैं। अरे अशरफ साहब तुम्हारा 2 बजे तक को टाइम हो या 4 बज गए, मुझे दूसरा निकाह पड़वे जाना है, तुम देख लो वो अपनी हड्डी ना तोड़वानी है। अरे काजी साहब बहन बेटी को मामला समझे करो। जय बहन की सारी जनता वाकई आती तो खुदा करो जी तो बहुत मारे हो मुझे, वो ऐसा करती हूँ सकीना जाए संग बेटे। हाँ तो अशरफ अली साहब का इरादा तुम्हारो? अरे सन्नी साहब दिल पे तो ना लेगे, ये तो मजाक हो, देख लो सब बजा रहे हैं, तुम्हारी सकीना तो सवेरे रहते हैं वहाँ सही दर्ज के बैठी है, आओ चलो मिल के आते हैं। ये रही तुम्हारी सकीना। सकीना बहुत इंतजार करो मैं तेरो, जा बार तुम्हें तो हिंदुस्तान ले जाके मानू, चल मेरे साथ। अरे तारा जी अब जीतू को नहीं लेके आए क्या? जीतू को भी लेके आया हूँ मैं, वो दावत फाड़ रहा है। तुझे क्या लगा तू सकीना को लेके भाग जाएगा पाकिस्तान से? भाग सकीना। तुम लोगों को साफ सुख गया, पकड़ो उनको।
भाई ने कहा को मैं अपने जीते की बना नहीं जाऊंगी लेके जाऊंगी ओ बे ते डोकरा मार देगो सगी ने जाते भाई दूसरा जीते बना देंगे हम आजा हेलो गाइस तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।